आज खादी और ग्राम उद्योग आयोग के राज्य निर्देशक आई जवाहर और प्रोफेसर नवीन गुलाटी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आई जवाहर ने पत्रकारों को बताया कि 29 नवंबर को हरियाणा के गृह मंत्री एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के दौरान 3 दिसंबर को खादी ग्राम उद्योग द्वारा एक फैशन शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मॉडल खादी के बने वस्त्र प्रदर्शित करेंगे और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में हरियाणा राज्य के अलग अलग शहरों के 25 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें प्रदर्शनी में खादी के विभिन्न उत्पादन, सूती खादी, पोली खादी, ऊनी खादी तथा सिल्क के विभिन्न उत्पादन बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। और हम 29 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक BPS प्लानिटोरियम में राज्य स्तरीय खादी की एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 29 तारीख को 1 बजे माननीय अनिल विज जी, माननीय मंत्री जी होम और स्वास्थ्य के हरियाणा सरकार के कर रहे हैं, और जिसमें हमारे द्वारा खादी की संस्थाएं प्रदर्शनी में रहेंगी जहां, और उसके साथ ग्राम उद्योग का भी हम उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राम उद्योग के उत्पाद हमारे आ रहे हैं, जिसमें कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं और हनी है और चाक का आइटम है और विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। और खादी के अलावा वहाँ पर हम विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम करने वाले हैं, जैसे कि फैशन शो है 3 तारीख को, और अन्य दिवसों पे भी डांस, नृत्य, गाना और अन्य कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम किए जाएंगे। और इसी एग्जीबिशन में हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जहाँ पर खादी का धागा बनाने के हुए चाक पे कुम्हारी का काम होता है, ये उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में ये इसको खादी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है राज्य में, इसमें कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। ये वैसे तो अमृत महोत्सव चल ही रहा है, अमृत महोत्सव में इसको माना जाएगा। क्या टारगेट रखा है, कितने स्टॉल? इसमें 25 स्टॉल्स रखी गई हैं, और इसमें लगभग हम लोग बिक्री भी काफ़ी अच्छा मान रहे हैं कि करीबन 3-4 करोड़ की बिक्री हमारी हो जाएगी।